नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी ठाकुर और आप देख रहे हैं फाउंडर इंडिया की एक खास पेशकश क्रिप्टो लाइव। क्रिप्टो लाइव भारत का पहला लाइव शो है जहां हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसीज के बारे में, अलग अलग कॉइन्स को और टॉपिक्स को समझने की कोशिश करते हैं जो आम भाषा में, सरल भाषा में हमें नहीं समझ आते हैं। इस शो को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद करता है देश का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज CoinDCX। उनकी मदद से इस शो को आप तक पहुंचाते हैं और जोड़ते हैं आपको देश के सबसे बेहतरीन क्रिप्टो एक्सपर्ट्स के साथ। आज जुड़ेंगे उपेंद्र सर के साथ। उपेंद्र सर के साथ हमारा ये जो क्लासरूम है ये चलता रहता है क्रिप्टो लाइव के जरिए। अलग अलग टॉपिक्स अब तक उनसे हम समझ चुके हैं। जब डोज कॉइन और ये सारे कॉइन्स बहुत ज्यादा हाइप में थे, मीम कॉइन्स बहुत ज्यादा हाइप में थे, तब हमने उपेंद्र सर से समझा था कि आखिर ये है क्या और क्या करना चाहिए हमें, किस तरीके से क्रिप्टो में काम करना चाहिए, और उनकी मदद से हमने बहुत कुछ सीखा है। आज एक बार वापस से उनके साथ जुड़ेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक क्या होते हैं। कल के क्रिप्टो लाइव के एपिसोड में हमारे जो व्यूअर्स थे वो जानना चाहते थे, तो काफी डिटेल में इन पर बात करनी पड़ती है और इन्हें सरल भाषा में समझाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए आज उपेंद्र सर से इन टॉपिक्स पर बात करेंगे। जुड़ते हैं उपेंद्र सर के साथ। वेरी गुड मॉर्निंग उपेंद्र सर। गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग हियर। सर, उम्मीद करते हैं अब आप एकदम ठीक होंगे। पिछले हफ्ते आपके साथ हम जुड़ नहीं पाए तो हमारे व्यूअर्स मिस कर रहे थे आपको और अलग अलग टॉपिक्स भेजकर हमें बता रहे थे कि उन्हें बहुत कुछ नया सीखना है। तो सबसे पहले प्रूफ ऑफ वर्क और स्टेक समझने से पहले एक बार मार्केट पर नजर डाल लेते हैं और बिटकॉइन जो है इस पर मैं आपसे बात करना चाहूंगी। 48,281 यूएस डॉलर के आसपास चलता हुआ आज दिखाई दे रहा है और ऐसे में बहुत से सर मैंने कॉइन्स देख लिए हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो टॉप गेनर्स में आ रहे हैं। ऐसे कॉइन्स जिनका नाम अब तक हमारे व्यूअर्स को नहीं पता था वो कॉइन भी चलना शुरू कर दिए हैं। तो ये जो सिलसिला है कि बिटकॉइन डोमिनेंस कम रहने वाला है, क्या लगता है कब तक खत्म हो जाएगा और बिटकॉइन वापस से अपने मूड में कब आएगा और बुल रन कब दिखाएगा? देखिए, यहाँ पे अगर आप हायर टाइम फ्रेम में तो बिटकॉइन जो है वो काफी टाइम तक कंसोलिडेट कर रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि बिटकॉइन जो अपना टाइम होता है वो तो नहीं है, अब वो सितंबर कंसोलिडेशन अपने जारी रखे, राइट, या फिर यू नो यहाँ से एक और डिप नया दे, राइट। ये एक ऐसा टाइम है जिस टाइम में हर कोई कंफ्यूज्ड है, मैं भी कंफ्यूज्ड हूँ। या तो बिटकॉइन जो है यहाँ से अल्टीमेट डिप लेगा और अल्टीमेट डिप लेगा मे बी 39,000 और 40,000, वहाँ पे सपोर्ट ले और उसके बाद अपना जो है अपट्रेंड स्टार्ट करे, या फिर ऑलरेडी बिटकॉइन ने बॉटम बना लिया है 43,000 के आसपास और अब जो है बिटकॉइन अपना जो है ऑल टाइम हाई देना स्टार्ट कर सकता है। तो हम अगर हम शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो हम इसको मे बी हम बीट हो जाए अगर हम इसको ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, अगर अगर हम लॉन्ग टर्म सिनेरियो चलेंगे अगले 6 महीने से 1 साल हो सकता, तो उस केस में मैं स्टिल बुलिश हूँ मैक्रो लेवल पे और मैं स्टिल इसको बीटीसी को 100 प्लस ज्यादा देख रहा हूँ। उससे पहले अगर बीटीसी हमें वेट करवाता है और 2-3 महीने और वेट करवाता है तो मे बी हमें कम। ठीक है, तो अगर अभी बीटीसी आपको वेट करवा रहा है और अगर स्लो चल रहा है तो उससे बहुत ज्यादा परेशान मत होइए, वो आपको जल्दी ही अपना जो वो दायरा है जिसका बहुत लंबे समय से हम इंतजार करें वो जल्दी वो दिखा देगा। और अक्सर ऐसा होता भी है जब हम बिटकॉइन की बात करते हैं तो बहुत लंबे समय से हम इसके 50K होने का इंतजार कर रहे थे, 50K यूएस डॉलर ये कब जाएगा, जब वो चला गया तो अब हमें 100 का इंतजार है, लेकिन बिटकॉइन आपकी उम्मीदों पे खरा जरूर उतरेगा, उस पे आप पूरा यकीन रख सकते हैं। वॉल्यूम की बात की जाए तो भी सर मैं देख रही हूँ कि बिटकॉइन की जो वॉल्यूम है, बीटीसी के जो वॉल्यूम है वो पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा है, उसे फॉलो किया है इथेरियम ने, उसके बाद बीयूएसडी ने, सोल, एडीए, इथेरियम, इनको फॉलो करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो इसके हिसाब से भी ऐसा नहीं है कि बिटकॉइन का जो मार्केट है वो सुस्त पड़ गया है या उसमें लोग ट्रेड या इन्वेस्ट नहीं कर रहे, वो बकायदा हो रहा है उसी स्पीड के साथ हो रहा है। बस थोड़ी सी ये जो फेज है ये निकल जाए थोड़ा सा और उसके बाद वापस से आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिल जाएगा। ठीक है सर, सर इस पे आपकी मैंने राय ले ली है,
कल हमारे एक व्यूअर का सवाल छूट गया था, तो आज मैं आपसे पोलका डॉट पर सवाल ले लेती हूँ। इस पे क्या अभी इन्वेस्ट किया जा सकता है पोलका डॉट की अगर बात की जाए तो? देखिए, लॉन्ग टर्म सिनेरियो में पोलका डॉट बहुत बुलिश प्रोजेक्ट है, क्योंकि अल्टीमेटली उनकी ऑप्शंस आने वाली है और अभी भी उसका प्रोटोकॉल लाइव नहीं है, अभी भी टेस्टनेट पे ही चल रहा है। तो लेकिन क्योंकि अभी कल मैंने एक रिपोर्ट देखी थी कि एंटायर क्रिप्टो इंडस्ट्री में जो जितने भी वीसी थे वो सबसे ज्यादा अगर कोई किसी प्रोजेक्ट को होल्ड करता है वो पोलका डॉट है। तो इसके बाद बाकी के प्रोजेक्ट्स की बारी आती है, जैसे अवलांच हो गया, सोलाना हो गया और दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं। सबसे ज्यादा अगर हेज फंड्स और वीसीस अगर किसी प्रोजेक्ट को होल्ड कर रहे हैं तो वो पोलका डॉट प्रोजेक्ट है, राइट। तो इसका मतलब हर कोई पोलका डॉट पे बेट करना चाह रहा है अब। तो लॉन्ग टर्म के सिनेरियो से पोलका डॉट नो डाउट बहुत अच्छा है, लेकिन ऑब्वियसली अगर आप देखोगे जो बॉटम था, बॉटम इसका लगभग $10 के आसपास था, तो ऑलरेडी वहां से 3.5x हो चुका है आज के डेट में, पिछले 2 महीने के जी। तो अब अगर बिटकॉइन, जैसे कि बोलते हैं कि गॉडफादर है, अगर बिटकॉइन अपनी मूवमेंट पॉजिटिव दिखाता है या कंसोलिडेशन में रहता है तो पोलका डॉट पॉजिटिव रहेगा, लेकिन अगर बिटकॉइन करेक्शन लेता है फर्दर तो डेफिनेटली फिर पोलका डॉट करेक्शन लेगा और वो एक अच्छा मौका होगा पोलका डॉट को डिप करने का। ठीक है, तो अच्छा मौका यहाँ पे बन सकता है। हमारे व्यूअर का कल पोलका डॉट पर सवाल आया था, आज मैंने सर से कंफर्म कर लिया है कि इसमें आगे आने वाले समय में ये और अच्छा आपको रिटर्न दे सकता है। और एक चीज तो सर, इतने समय से हम देखते जा रहे हैं कि जब हम ऑल्ट कॉइन्स की बात करते हैं तो उन्हें थोड़ा सा वक्त लगता है रिटर्न देने में, जो अच्छे ऑल्ट कॉइन्स होते हैं। उसके बाद अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप अगर कोई अच्छा ट्रेड ढूंढ लेते हैं जहाँ पे आपको 1 या 2 दिन में अच्छा रिटर्न मिल जाए वो अलग बात है, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स अपना जो टाइम है वो जरूर लेते हैं। अगर डॉट की ही बात की जाए तो जुलाई के महीने से अब तक उसने बहुत अच्छा रिटर्न दे दिया है। तो यहाँ से साबित होता है कि अगर ये बहुत जल्दी जल्दी रिटर्न नहीं भी दे रहा है तो भी ये धीरे धीरे करके आपको रिटर्न अच्छा दे देगा, और जितना रिटर्न आपको क्रिप्टो में मिल जाता है वो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। कहीं पर भी आपको इतनी जल्दी इतना अच्छा रिटर्न तो नहीं देखने को मिलता है। ठीक है सर, ये एक सवाल बच गया था, पोलका डॉट पर आपकी राय लेना बहुत जरूरी हो गया था हमारे लिए, ये हमने पूछ लिया आपसे। साथ ही साथ बिटकॉइन को आप किस तरीके से देख रहे हैं वो भी समझ लिया। अब आते हैं प्रूफ ऑफ वर्क पे, क्या होता है प्रूफ ऑफ वर्क और किस तरीके से आप इसे हमारे व्यूअर्स को समझाएंगे कि वो ये जो कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स होते हैं जिनसे वो बहुत घबरा जाते हैं वो उन्हें समझ आ जाए, प्रूफ ऑफ वर्क क्या होता है? देखिए, प्रूफ ऑफ, बिल्कुल सरल भाषा में समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। प्रूफ ऑफ वर्क एक ऐसा वर्क है जो दोबारा से ना, राइट। जैसे एग्जांपल के तौर पे आज के डेट में 7 घंटे का वर्क की बात कर रहे हैं, पिरामिड्स है, राइट। क्या हम पिरामिड्स को दोबारा से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? क्या इकोनॉमिकली वायबल है? नहीं वायबल है, बिकॉज एक तो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, दूसरा टाइम जो रिक्वायर्ड है उसको बनाने के लिए वो बहुत ज्यादा ये हुआ। तो वो जो बन गया आज वो एक तरह से प्रूफ ऑफ वर्क है, जो दोबारा से बनाना नेक्स्ट इम्पॉसिबल टास्क है। तो जो जो भी काम एक बार हो गया उसको दोबारा से ना किया जा सके, जो रिवर्स ना किया जा सके, उसको प्रूफ ऑफ वर्क बोलते हैं। तो इस प्रूफ ऑफ वर्क के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है आपका बिटकॉइन और इथेरियम, जो भी आज के डेट में प्रूफ ऑफ वर्क बेस्ड क्रिप्टोकरेंसी है। उसका मतलब क्या है? ट्रांजैक्शन एक बार हो गई, जो ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन पे एक बार रिकॉर्ड हो गई, अब उसको अगर आपको रिवर्स करना है, उस ट्रांजैक्शन को अगर आपको ऑल्टर करना है, तो उसके लिए आपको ब्लॉकचेन को रोकना पड़ेगा या उसको रिवर्स करना पड़ेगा। लेकिन रिवर्स करने के लिए आपको जो एनर्जी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्रूफ ऑफ वर्क कैसे काम कर रहा है कि जो भी ट्रांजेक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड हो रही है वो आपके जो कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसको जो लोगों ने अपने अपने कंप्यूटर लगा रखे हैं उनके जो अपने अपने प्रोसेसर चल रहे हैं वो एक इलेक्ट्रिसिटी को एज ए एनर्जी यूज कर रहे हैं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के, और वो जो ट्रांजेक्शन है क्रिप्टोग्राफिकली वहाँ पे जो ब्लॉकचेन के ऊपर रिकॉर्ड हो रही है, क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर हो रही है। अब एक बार वो ट्रांजेक्शन वहाँ पे रिकॉर्ड हो गई, उसकी कॉपी जो है जितने भी दुनिया भर के कंप्यूटर पार्टिसिपेंट्स हैं उनके ऊपर उसकी कॉपी जो है वो स्टोर हो जाती है।
अब अगर मुझे उस ट्रांजेक्शन को, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड को रिवर्स करना है या फिर उसको ऑल्टर करना है, मॉडिफाई करना है, मुझे उसके लिए जो ऑलरेडी नेटवर्क एक वन डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है, उसको बीच में रोक के बैकवर्ड डायरेक्शन में मुझे ऑल्टर करना पड़ेगा, मुझे ट्रांजेक्शंस को ऑल्टर करने की कोशिश करनी पड़ेगी। उसके लिए जितनी एनर्जी लगी है, जितनी इलेक्ट्रिसिटी लगी है, उससे कई गुना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी मुझे यूज करनी पड़ेगी ब्लॉकचेन नेटवर्क को तोड़ने के, राइट? ठीक है, क्योंकि जो दुनिया भर में जो नेटवर्क पार्टिसिपेंट्स है वो डिसेंट्रलाइज है, वो सब जगह फैले हुए हैं। उसकी वजह से अगर एक 51% ऑफ द पार्टिसिपेंट्स इसको रिवर्स करने का सोचते भी है, 49% ऑफ द पार्टिसिपेंट्स विल स्टिल बी फॉरवर्ड, विल स्टिल बी पार्टिसिपेटिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, राइट, जो नेटवर्क को आगे बढ़ा रहे होंगे, क्योंकि जो ब्लॉकचेन है उसको हम चेन ऑफ ब्लॉक्स बोलते हैं, राइट, चेन ऑफ ब्लॉक्स। डब्बो जो डब्बे हैं वो एक एक करके सीक्वेंशियल ऑर्डर में पैक होते चले जाते हैं। अब हर 10 मिनट में एक नया ब्लॉक बनता है बिटकॉइन, हर 10 मिनट। तो अगर मुझे बिटकॉइन नेटवर्क को रिवर्स करना है, यानी कि मुझे विद इन 10 मिनट्स जो है पिछले ब्लॉक को जो है तोड़ना पड़ेगा, जो क्रिप्टोग्राफिकली उसको लॉक किया गया है, उसको क्रिप्टोग्राफिक लॉक को मुझे तोड़ के उसकी ट्रांजेक्शन को ऑल्टर करना पड़ेगा। और आप ये सोचो कि बिटकॉइन का जो नेटवर्क है, वो ब्लॉकचेन जो चल रही है, वो 2010 से चल रही है, 2010 से आज 2021 हो गई है, राइट? तो आप सोचिए कि ऑलरेडी 11-12 साल हो चुके हैं। अब 11-12 साल के जो ब्लॉक्स हैं, उनको अगर आपको रिवर्स करना है, वो एक ही झटके में सारे ब्लॉक रिवर्स नहीं होंगे, आपको वन बाय वन सारे ब्लॉक्स में ब्लॉक्स को रिवर्स करना पड़ेगा। लेकिन इन द मीन वाइल जब तक आप पिछले ब्लॉक्स को रिवर्स करने जाओगे, जिसके लिए आप बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करोगे, उतनी देर में नए ब्लॉक्स ऑलरेडी फर्दर बनते चले जाएंगे, क्योंकि 49% ऑफ द पार्टिसिपेंट्स आर स्टिल पार्टिसिपेटिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, नए ब्लॉक्स बना रहे हैं। तो आप इस तरह से समझिए कि प्रूफ ऑफ वर्क ये बोल रहा है कि जो एक काम ऑलरेडी हो चुका है उसको रिवर्स करने के लिए आपको उससे कई गुना ज्यादा एनर्जी चाहिए, और जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क है, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम कम है, तो इसको हम और ज्यादा टेक्निकली डीप डाइव नहीं कर सकता। तो अदरवाइज आई कुड शो यू लॉट ऑफ थिंग्स जिससे ये प्रूव हो जाए कि क्यों इसको रिवर्स करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क है। इसी रीजन की वजह से बिटकॉइन जो है वो गॉडफादर आज भी बोला जाता है, कि बिटकॉइन को कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता। इनफैक्ट यूएस की गवर्नमेंट ने भी जो है अपने सीनियर में ये अनाउंस किया था कि बिटकॉइन को तोड़ना इम्पॉसिबल, बिटकॉइन को रिवर्स करना मुश्किल है, किसी कोई इनफैक्ट कंट्री भी जो है वो बिटकॉइन को रिवर्स नहीं कर सकता, बिकॉज किसी के पास इतनी है ही नहीं है वो इसको इतना रिवर्स करने की कोशिश कर सके, अनलेस क्वांटम कंप्यूटिंग को रियलिटी बन जाए। और क्वांटम कंप्यूटिंग जब तक क्वांटम प्रूफ ब्लॉकचेन आपकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती तो उस केस में चांस बन सकते, बट अभी अगले 4-5 साल तक तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। ठीक है सर, तो काफी जहां तक मैं समझ पा रही हूँ एक टेक्निकल टॉपिक है ये, जिसे आप काफी सरल भाषा में हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से ये जो ब्लॉकचेन से हैं ये काम करती हैं। प्रूफ ऑफ वर्क एक हद तक समझ आ गया है, प्रूफ ऑफ स्टेक को आप किस तरीके से समझाएंगे? इसे अगर हमें साधारण भाषा में समझना है तो क्या किस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं? देखिए, प्रूफ ऑफ वर्क में क्या होता है कि कोई भी नेटवर्क पार्टिसिपेंट है वो अपने जो कंप्यूटर प्रोसेसर है उसकी एनर्जी को यूज कर रहा है, उसपे कोई भी मनी की पावर को इसपे, जैसे होता है ना कि आपके पास जितने पैसे हैं आप जमा करवा दो, जिसके पास ज्यादा पैसे हैं उसको प्रायोरिटी मिल जाएगी, ये प्रूफ ऑफ स्टेक में कॉन्सेप्ट है। बट प्रूफ ऑफ वर्क में कॉन्सेप्ट क्या है कि आपके पास जितनी ज्यादा प्रोसेसिंग पावर है उसको उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी ज्यादा होगी नेटवर्क में नया ब्लॉक फाइंड कर देंगे, राइट? तो ये प्रूफ ऑफ वर्क है जिसमें आप अपनी एनर्जी के बेस पे अपनी पार्टिसिपेशन में आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बनेगी। बट प्रूफ ऑफ स्टेक में क्या रहेगा कि आपके पास जितने कॉइन्स हैं उतने कॉइन्स आप नेटवर्क में स्टेक कर दीजिए,
एक समझ एफडी के तौर पे बना के जमा कर दीजिए और आपको रिवॉर्ड के तौर पे जो है पॉइंट मिलेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें आपको अपने कंप्यूटर की प्रोसेसर नहीं यूज करना पड़ेगा, आपकी प्रोसेसिंग पावर जो है वो यूज नहीं होगी। इसमें सिर्फ आपकी जो है क्रिप्टो करेंसी जो आपके पास है आप उसकी इतनी क्वांटिटी है उसके बेस पे आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा। अब इससे फायदा क्या है, इससे फायदा ये है कि अगर नॉर्मली प्रूफ ऑफ वर्क के केस में मशीन खरीदने जाते हो वो मशीन यूजुअली चाइना से मिलती है, उसको इंपोर्ट करना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है, फिर उसकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट को बियर करना अपने आप में काफी कॉस्टली है, राइट। तो वो सारा कुछ यहाँ पे जो है एलिमिनेट हो जाता है। आप ओपन मार्केट से सीधा जैसे इथेरियम अब प्रूफ ऑफ स्टेक में कन्वर्ट होने जा रहे हैं प्रूफ ऑफ वर्क से, तो जब प्रूफ ऑफ स्टेक में फुली कन्वर्ट हो जाएगा तो आपको फिर इथेरियम के लिए अपनी माइनिंग मशीन्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको जीपीयूज लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या करना है, आपको ओपन मार्केट से इथेरियम खरीदना है। अगर आपके पास मनी है आप इथेरियम खरीदिए और उसको स्टेक करिए एफडी के तरीके से और आपको इथेरियम के तौर पर रिवॉर्ड मिलने शुरू होते हैं, आप उसके ब्लॉक फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करना शुरू होती है। इस तरह से ये प्रूफ ऑफ स्टेक का कॉन्सेप्ट है इन अ वेरी लेमन टर्म्स। बट इसके अगर हम नेगेटिव साइड देखें तो इसका नेगेटिव साइड ये है कि देयर कैन बी अ चांस कि जो प्रूफ ऑफ स्टेक का जो नेटवर्क है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाए, राइट। क्योंकि अभी 100% अभी जो है वो क्लैरिटी नहीं है, अभी फुली जो है वो प्रूफ नहीं है, इसलिए अभी जो है स्टिल एक क्वेश्चन मार्क है। इसीलिए इथेरियम को भी प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक तक जाते जाते काफी टाइम लगा, तो ये टाइम के साथ हमें पता लगेगा कि प्रूफ ऑफ स्टेक कितना जो है अटैक्स से रेजिलिएंट है, राइट, या अटैक प्रूफ है। कि जिस तरह से प्रूफ ऑफ वर्क पिछले 10-12 साल से कॉन्टिन्यूसली विदाउट हैकिंग चल रहा है, राइट, इसकी वजह से लोगों का आज भी बिटकॉइन पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट है, तो क्या वैसा ट्रस्ट जो है वो इथेरियम और दूसरे प्रूफ ऑफ स्टेक बेस्ड प्रोजेक्ट्स के कायम रहेगा, ये देखने वाली बात फ्यूचर। बिल्कुल, बहुत अच्छे ढंग से आपने सर ये इतना कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट जो है, ये टर्म जो है हमें समझा दिए। क्योंकि क्या होता है कि जब हम क्रिप्टो करेंसी को पढ़ने जाते हैं तो वहां पे ये जो टर्म्स होती हैं ये इतनी ज्यादा नई होती हैं कि चाहकर भी आप उन्हें नहीं समझ पाते हैं। तो ऐसी और भी बहुत सारी हमारे पास जागंस हैं क्रिप्टो से जुड़े हुए जो हम एक एक करके क्रिप्टो लाइव के जरिए सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जहां तक मैं प्रूफ ऑफ वर्क को समझी हूँ, प्रूफ ऑफ वर्क का मतलब होता है कि कंप्यूटर की जो पावर है वो जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स या जो भी प्रॉब्लम्स वो सॉल्व करते हैं कंप्यूटर के पावर पे डिपेंड करता है माइनिंग कैसे होगी। वहीं पे प्रूफ ऑफ स्टेक शायद इस तरीके से मैं समझ सकती हूँ कि कितना स्टेक है आपका, उस हिसाब से आप यहाँ पे काम करते हैं प्रूफ ऑफ स्टेक में। जब प्रूफ ऑफ वर्क की बात की जाए तो जब आप वहाँ पे माइनिंग कर रहे होते हैं, प्रूफ ऑफ वर्क में माइनिंग चल रही होती है तो आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, प्रूफ ऑफ स्टेक में ऐसा नहीं होता है। उपेंद्र सर, क्या मैं सही समझी हूँ दोनों टर्म्स को? बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया, तो ये कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स आज हमारे लिए क्लियर हो गई हैं। और साथ ही साथ आपने ये भी बता दिया है कि प्रूफ ऑफ वर्क जो है वो इतने लंबे समय से 10 साल के आसपास से वो काम कर रहा है, तो इस वजह से हमारा प्रूफ ऑफ वर्क में थोड़ा सा ज्यादा जो है विश्वास होता है। वही प्रूफ ऑफ स्टेक अभी कुछ नई टर्म निकल के आना शुरू हुई है या नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से, तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि ये कितना हैक प्रूफ है। हालांकि अगर एक ये भी चीज है कि प्रूफ ऑफ वर्क की अगर बात की जाए तो प्रूफ ऑफ वर्क में आपका जो कंप्यूटर है उसकी पावर ज्यादा होगी तो आप शायद हैक कर पाएंगे, वहीं प्रूफ ऑफ स्टेक में आपका स्टेक ज्यादा होगा तब आप हैक कर पाएंगे। तो क्रिप्टो करेंसी का जो मार्केट है वो इतना बड़ा है कि उसमें अगर आप एक बड़ा स्टेक सोचें कि आपका हो तो वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। ये मेरा एक डाउट है, ये आने वाले समय में हम इस पे भी बात करेंगे कि कितना ये हैक प्रूफ होगा प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक, इन टॉपिक्स पर भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो लगभग हमें ये दोनों कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं सर। जब हम कॉइन्स में इन्वेस्ट करने जाते हैं तो किस तरीके से ये दोनों टर्म्स वहां पे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होती हैं? वहां पे हमें बिटकॉइन पे इन्वेस्ट करना है तो वो प्रूफ ऑफ वर्क में चल रहा है, किसी दूसरे कॉइन पे अगर हम जाएं तो वो प्रूफ ऑफ स्टेक पे चल रहा है, या किस तरीके से चल रहा है, ये सब हम कैसे समझें या
किन बातों का, कौन सी तीन चार चीजें हैं किसी एक कॉइन के बारे में समझ लें कि इसका ब्लॉकचेन कैसा है, फंडामेंटल्स कैसे हैं, इकोसिस्टम कैसा है, ये कौन सी चीजें आप हमें बताएंगे जो हमें अपने फिंगर टिप्स पे रखनी है किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट करने से पहले? सो देखिए, अगर आप यहाँ पे जब आप जाएंगे किसी भी एक जैसे वेबसाइट कॉइन मार्केट राइट, तो कॉइन मार्केट कैप में आपको बताता है कि POW करेंसी है या POS बेस्ड करेंसी है राइट, तो आप वहां पे जाके सबसे पहले देख सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि आपके एक को कॉइन होते हैं और एक होते हैं टोकन, जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड होते हैं या वो माइनिंग बेस्ड होते हैं राइट, जैसे कि बिटकॉइन है और लाइटकॉइन है, डैश है, ज़ीकैश है, मोनेरो है, ये सारे प्रूफ ऑफ वर्क बेस्ड क्रिप्टोग्राफी है, इनको हम कॉइंस बोलते हैं ठीक है। और इसी तरह से जैसे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स या टोकन क्रिएट किए जाते हैं, जैसे टीकेम हो गया, स्मार्ट चेन हो गया, सोलाना हो गया, आज कार्डानो हो गया राइट, पोलकाडॉट हो गया, ये भी कॉइंस की कैटेगरी में ही आते हैं, और लेकिन इनको हम प्रूफ ऑफ स्टेक बेस्ड बोल सकते हैं, इथेरियम अभी भी प्रूफ ऑफ स्टेक वैसे तो राइट। और अगर हम बात करें टोकन्स में, जैसे आवे हो गया आपका, टीआरटी हो गया, या फिर आपके कंपाउंड हो गया, यूनिस्वैप हो गया, अब ये सारे जो है ये टोकन है, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड प्रोजेक्ट है जिनकी अपनी एप्लीकेशन जो है वो ब्लॉकचेन के ऊपर चलती है राइट। अब वो टोकन जो है वो इसी के ब्लॉक के ऊपर क्रिएट, दैट मींस जो बेस लेयर है वो इथेरियम की, उसके ऊपर इन टोकन्स को जो है क्रिएट किया गया। अब आज की डेट में कुछ प्रोजेक्ट जो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड प्रोजेक्ट है ये मल्टीपल ब्लॉकचेन के ऊपर आने शुरू हो गए, जैसे आवे है, आवे ने इथेरियम के बाद मैटिक नेटवर्क के ऊपर भी अपने आप को लॉन्च किया है। अब मैटिक नेटवर्क अपने आप में साइड चेन लेकिन है तो वो एक कॉइन ही है ना, क्योंकि वो अपने आप में प्रूफ ऑफ स्टेक बेस्ड है, लेकिन वो वैलिडेशन के लिए इथेरियम पे डिपेंडेंट है राइट, उसकी साइड चेन, क्योंकि इथेरियम को ही ऐसे बेस लेयर ले रहा है राइट। अब उस केस में अगर आवे ERC-20 बेस्ड टोकन उस पे मैटिक नेटवर्क पे स्विच करना है राइट, किसी भी यूजर को इथेरियम से मैटिक नेटवर्क के ऊपर जाना है, तो वहां से ब्रिज होते हैं, ब्रिज बने होते हैं जो ब्रिज के थ्रू जो आप मेटामास जैसे वॉलेट्स में ब्रिज मिल जाते हैं राइट, वहां से आप जो है ऑटोमेटिक आपके जो टोकन है वो मैटिक नेटवर्क पे आप उसको यूज कर सकते हैं, और वहां पे भी आप आपके जाके स्टेक और वो सारी ऑपरेशंस कर सकते हैं जो आप इथेरियम के ऊपर कर पा रहे हैं राइट। इसी तरह से बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर टोकन अलग से बनते हैं राइट, इसी तरह से सोलाना के ऊपर टोकन अलग से बनते हैं, अवलांच के ऊपर टोकन अलग से। तो कल को क्या होगा कि जो आपस में इंफ्रास्ट्रक्चर है इनकी आपस में ब्रिजिंग हो जाएगी, इसको हम क्रॉस चेन बोलते हैं, क्रॉस चेन एप्लीकेशंस, क्रॉस चेन ब्रिजिंग पॉसिबल है राइट। कि अगर मेरे पास कोई टोकन जो है वो इथेरियम के ऊपर है और उस प्रोजेक्ट ने इथेरियम के साथ माना स्मार्ट चेन भी अपनी ब्रिजिंग कर दी है, तो आई कैन इजीली स्विच माय टोकन फ्रॉम ERC-20 टू BBIT राइट। अब जो टोकन्स हैं वो इथेरियम इन डिफरेंट ब्लॉकचेन्स के ऊपर क्रॉस चेन ट्रांजैक्शन के तौर पे घूम सकते हैं, जो माइनिंग बेस्ड नहीं है वो प्री माइन है, जिनको जो प्रोजेक्ट फाउंडर्स हैं, जो प्रोजेक्ट टीम्स हैं, वो उसको प्री माइन करते हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आगे, जिसके जिसकी टोकनॉमिक्स वो बनाते हैं राइट। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं वो POS बेस्ड होते हैं या POW बेस्ड होती है, उसमें भी प्री माइनिंग कुछ हो सकती है कुछ नहीं हो सकती राइट, डिपेंडिंग अपॉन, जैसे बिटकॉइन था वो बिल्कुल प्री माइनेड, तो बिल्कुल स्टार्टिंग से फ्रेश की माइन होना शुरू हुआ फ्रॉम जीरो राइट। तो ये काफी डीप कॉन्सेप्ट है, बट इन शॉर्ट आपको अगर कभी भी इसका जो डिफरेंस देखना है तो आप कॉइन मार्केट कैप पे जाइए, वहां पे आपको दिख जाएगा कौन से कॉइन्स है POW बेस्ड है, कौन से कॉइन POS बेस्ड है, और कौन से टोकन है वो कॉइन्स नहीं। ठीक है,
ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि प्रूफ ऑफ वर्क क्या है, स्टेक क्या है, और जो टोकन्स वगैरह है इस पे भी सर हमारे पास सवाल आते हैं कि टोकन्स कॉइन से किस तरीके से अलग होते हैं, तो ये डाउट भी आज यहाँ पर क्रिप्टो लाइव के जरिए सर ने क्लियर कर दिया है। तो आने वाले समय में जब भी आप किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहें, किसी भी प्रोजेक्ट को पिक करना चाहें और समझना चाहें कि एग्जैक्टली ये क्या है और किस तरीके से काम करता है, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं साइट पे जाकर, और वहां से आप इन सारी चीजों का पता लगा सकते हैं कि ये कॉइन है एग्जैक्टली या टोकन है और किस तरीके से ये काम कर रहा है प्रूफ ऑफ वर्क में या प्रूफ ऑफ स्टेक में, उस हिसाब से आप इसमें काम कर सकते हैं। उपेंद्र सर, आज का ये जो टेक्निकल टर्म्स है, जो जागन से क्रिप्टो से जुड़े हुए, इनका जवाब देने के लिए और इतने अच्छे तरीके से हमें ये समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ उपेंद्र सर। उपेंद्र सर के साथ हम काफी लंबे समय से जुड़ते आ रहे हैं और उपेंद्र सर की जो नॉलेज है वो बहुत वास्ट है, इसी वजह से इनसे हम समझने की कोशिश करते हैं ऐसे टेक्निकल टर्म्स को। प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक आज का हमारा टॉपिक था। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आया होगा कि किस तरीके से ये दोनों चीजें काम करती हैं और साथ ही साथ टोकन्स और कॉइन्स में क्या अंतर होता है ये भी आप समझ गए होंगे। आने वाले समय में जो भी आपका सवाल है इसी तरीके से भेजते रहिए हमें, हम आपके सवालों पर डेडिकेटेड एपिसोड जो है वो बनाते रहेंगे ताकि ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे करके क्लियर होती जाए। और जब भी कोई टेक्निकल टर्म आए, जिस तरीके से शेयर बाजार में आपको हर चीज पता होती है कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्या है, डेरिवेटिव क्या होते हैं या फिर स्पॉट में किस तरीके से काम किया जाता है, तो ये सारी चीजें जब आप इतने अच्छे से वहां पे समझते हैं तो यहाँ पर भी आप वैसे ही समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली आप कहाँ काम कर रहे हैं और किस तरीके से ये सारी चीजें काम करती हैं, तो आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा कि ठीक है इस कॉइन में हम इन्वेस्टेड हैं, ये कॉइन प्रूफ ऑफ वर्क के हिसाब से काम कर रहा है, तो हमें आने वाले समय में ऐसे कॉइन्स में इन्वेस्ट करना है या ऐसे कॉइन्स में इन्वेस्ट नहीं करना है। रही बात बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन भी जल्दी जो तेजी है वो पकड़ेगा ऐसा हमारे एक्सपर्ट्स का कहना है। ये 100K US डॉलर तक ये जल्दी ही जाता हुआ आपको दिखाई देगा आने वाले समय में। अभी के लिए थोड़ा सा सुस्त दिखाई दे रहा है मगर फिर भी बहुत अच्छा, जब से हम इस पर बात कर रहे हैं तब से तो बहुत अच्छा ये रिटर्न देता हुआ दिखाई दे रहा है। क्रिप्टो लाइव में आज के लिए बस इतना ही, मुझे यानी शिवानी ठाकुर को दीजिए इजाजत और देखते रहिए फाउंडर इंडिया। We'll be right back.